हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, डेल लैपटॉप है, नो पावर है इसमें, 19 वोल्ट शॉर्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको 19 वोल्ट चेक करवा दूँ। वायर मैंने लगा दिया अडेप्टर, और मैं इसमें पावर लगा रहा हूँ। ये देखिए रेड बत्ती आ रही है, वोल्ट डाउन हो गए, 8 वोल्ट रह गए। और इसको ऑफ करूँगा मैं, तो देखिए ये अब ऑफ हो गया। जब इसको ऑन करते हैं तो ये डाउन मार जाता है, इसका मतलब इसमें 19 वोल्ट शॉर्ट है। तो चलिए इसको खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं। इस बोर्ड का मेरे को लग रहा है कि पीडीएफ नहीं होगा, जो मेरे ख्याल से DV15 करके, HR करके इसका मेरे ख्याल पार्ट नंबर है बोर्ड का। तो इसका मॉडल नंबर तो है 15, वोस्ट्रो 1540। चलो इसको खोलते हैं, खोल के पार्ट नंबर देखते हैं, इसका पीडीएफ ढूंढते हैं, फिर आपको समझाऊंगा मैं कि कैसे कैसे क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैंने ये बोर्ड को ओपन कर लिया है। तो कुछ बोर्ड की कंडीशन कुछ ऐसी है कि बुरा हाल हो रखा है, और ये बोर्ड का पार्ट नंबर है। तो मेरे ख्याल से इसका पीडीएफ तो नहीं होगा, लेकिन सेम बोर्ड का मिलता जुलता, इसमें लास्ट में CP है ना, तो UMA है, और उसमें लास्ट में HR है, शायद उसका PDF है, वो लगभग मिलता जुलता है। तो उसी की हेल्प से हम देखेंगे कि क्या गड़बड़ है। और अगर मैंने बोर्ड को पलटाया ना, तो देखिए यहाँ पे ब्लास्ट हो रखा है, यहाँ से ब्लास्ट हुआ हुआ है। ये 19 वोल्ट का एरिया है, ये ट्रैक जा रहा है, ये 19 वोल्ट का है जो यहाँ से ब्लास्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो लेयर होती है बीच में, वो बीच वाली ग्राउंड की लेयर होगी, शायद उसी से ये ग्राउंड हुआ होगा, तभी ये ब्लास्ट हुआ है। तो चलिए गाइस इसको ठीक करते हैं, ठीक करने के बाद आपको डिस्प्ले चेक करवाता हूँ मैं। तो देखिए ये अंदर जो अंदर वाली लेयर है ना, ये उसके साथ अटैच हुआ है, उसी के साथ अटैच होने से ये 19 वोल्ट शॉर्ट हो रहे हैं। ये देखिए ये एक ऊपर लेयर होगी, उसके बाद बीच में जो बोर्ड का होता है, जो जिस चीज़ का बोर्ड बना होता है, तो उसके बाद एक नीचे और लेयर थी, तो उसके साथ ये बोर्ड अटैच हो गया, तो उसी के वजह से ये बर्न हुआ है। ये लेयर इस लेयर से ज्वाइंट हुई है। तो दोस्तों मैंने इस बोर्ड को फिलहाल ऑन कर लिया है, लेकिन प्रॉपर डिस्प्ले अभी तक नहीं आया, इसको मैं अभी चेक करूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं और मैंने इसमें क्या कुछ किया ऑन करने के लिए। तो ये मैंने आपको ट्रैक खुर्च के दिखाया था, रगड़ के। तो ये 19 वोल्ट ऊपर वाले, नीचे ग्राउंड था, एक पूरा यहाँ पे लेयर बना हुआ था ग्राउंड का, तो उससे शॉर्ट था ये, ठीक है। तो ये मैंने हटा के 19 वोल्ट की शॉर्टिंग निकल गई, उसके बाद ये ग्राउंड हट गया, 19 वोल्ट से पावर डाली, ये फिर यहाँ से धुआं निकला। ये नीचे देख सकते हो तीसरी लेयर एक और थी, दो लेयर तो ऊपर थी, तीसरी लेयर एक और थी। देखे ये 19 वोल्ट हो गए ऊपर, ये ग्राउंड हो गया पूरा, ऊपर लेयर बना हुआ था मैंने खुर्चा है, और ये नीचे तीसरी लेयर है। ये देखिए ये तीन ट्रैक, ये सीधी लाइन जा रही है, एक ये एक ये तीसरी लेयर है। तो जब भी मैंने इसमें पावर डाली 19 वोल्ट ओके होने के बाद, तभी इसमें ये बर्न हो गए फिर से नीचे से। तो इसमें का बर्न होने का रीज़न क्या था कि ये नीचे 5 वोल्ट की कॉइल लगी हुई है, तो इससे भी ग्राउंड शॉर्ट था, ग्राउंड ऊपर नीचे दोनों साइड शॉर्ट था, ऊपर की तरफ 90 वोल्ट और नीचे की तरफ 5 वोल्ट। तो इसको मैंने अच्छे से खुर्च के नीचे से तीसरा ट्रैक निकाला, उसको सही किया, यहाँ से कटा हुआ था वो भी सेट किया, और उसके बाद मैंने पावर डाली तो 3-5 फीट हो रही। ये हमारी 3-5 की हीट IC लगी हुई है, 5112123 करके IC, तो ये हीट हो रही थी। उसके बाद मैंने चेक किया कि हीट होने की वजह क्या है, शॉर्टिंग तो इसमें नहीं थी, IC में कहीं और शॉर्टिंग थी। वो जब मैंने शॉर्टिंग निकाली तो
हमारी आईओ शॉर्ट थी। आईओ चेंज करने के बाद शॉर्टिंग निकल गई, 3-5 बन गई। उसके बाद ये बोर्ड ऑन हो गया, लेकिन बोर्ड प्रॉपर ऑन नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल के लिए एक बार चेक करवा देता हूँ कि प्रॉपर ऑन कैसे नहीं हुआ। तो ये गाइस मैंने पावर लगा दिया, तो मल्टीमीटर भी मैंने सेट कर लिया है अपना। तो देखिए अभी मैं इसमें पावर तो लगा दिया, लेकिन वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये बोर्ड ऑन हो गया, फैन भी घूम रहा है, ठीक है, इधर लाइट भी आ गई, ओके। बट इसमें डिस्प्ले नहीं आया क्योंकि लोड अभी तक 145 है। तो लोड 145 होने का रीज़न एक तो या तो इसमें रन नहीं बनी, ठीक है, और या फिर इसमें कोर वोल्ट नहीं बने, ये दो ही रीज़न हो सकते हैं। तो रन मैंने जब चेक की तो पीडीएफ के ज़रिए मैंने जब रन चेक की तो ये देखिए रन बन रही है, इनपुट साइड एंड अदर पुट आउटपुट साइड बन रही है प्रॉपर। लेकिन इसकी GFX तो बाद में बनेगी, इसकी कोर नहीं बन रही, रैम भी बन रही है, ठीक है, 1.8 वोल्ट भी बन रहे हैं, ठीक है, कोर नहीं बन रही। कोर क्यों नहीं बन रही? तो अभी फ़िलहाल मैं इसको चेक करता हूँ PDF के ज़रिए, और ओके होने के बाद बोर्ड का आपको डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। और अगर ओके हो गया तो मैं आपके साथ इस फॉल्ट को शेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस ये बोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है, और कंडीशन आप देख सकते हैं इसको, मैंने गम लगा के अपना ओके कर दिया। और फॉल्ट जो था एक और आईसी ख़राब थी, वो आपको मैं अगर कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगा कि इसमें क्या दिक्कत थी। और चलिए अब मैं आपको डिस्प्ले चेक करवाता हूँ उसका। तो गाइस देखिए ये पहले 150 पे ही जा रहा था, अब 1.5 मिली जा रहा है, सॉरी अब ये 1 एम्पेयर जा रहा है हम पे, पहले था 150 मिली पे। अब देखिए ये कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, फैन भी वर्क कर रहा है, पहले 150 मिली था, अब 1 मिली के एम्पेयर के पास है। तो चलिए एक बार मैं आपको कोर वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। तो लास्ट में जब हमने चेक किया था तो इसमें कोर वोल्ट नहीं बन रहे थे, तो देखिए गाइस ये कोर वोल्ट बन चुके हैं हमारे, ठीक है। ओके ऑफ हो गया वोल्ट। देखिए ये कोर वोल्ट बन चुकी है, और चलिए अब इसका मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें चैनल, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा प्रेस कर लें,
और ताकि ऐसे छोटे छोटे केस जो, ये छोटा तो नहीं था, ये बड़ा केस था, लेकिन जो छोटे छोटे केस होते हैं उनसे आपको मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसे केस में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इस बोर्ड को मुझे ठीक करने में लगभग 2 दिन लग गए। तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई फॉल्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए इसका मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। तो गाइस फाइनली ये बोर्ड ओके हो चुका है, आपके सामने डिस्प्ले ओके है। तो ये केस काफ़ी टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि ये 3 लेयर वाला सिस्टम मैंने पहली बार देखा है कि ब्लास्ट होता है। टू टू लेयर ब्लास्ट आपस में शॉर्ट होना तो देखा है मैंने, लेकिन 3 लेयर का मैंने पहली बार देखा है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, केस अच्छा लगा हो। तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।